हेलो हेलो, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोग को बताएंगे कि जो हम लोग का ये इनक्यूबेटर वाला M10 है और जो हमारा जो नॉर्मल सा वो जो डबल रेट ऑफ फायर वाला M10 है, उसमें से बेस्ट कौन सा है। आप लोग देख सकते हो, मतलब ये जो हमारा ग्रीन वाला इनक्यूबेटर का M10 है, आप लोग यहाँ पर देखो ये वाला ग्रीन वाला M10, ये बेस्ट है या फिर जो हमारा ये नीचे में सबसे है डबल रेट ऑफ फायर वाला मैगजीन जिसका माइनस है इसका, ये इन दोनों में कौन सा बेस्ट है, यही हम आप लोग को आज बताएंगे। तो वीडियो को टिल दी एंड देख। ये हमारे इनक्यूबेटर के ग्रीन वाले का पहला स्किल है रेट ऑफ फायर सिंगल, रेंज डबल, और इसका आपको रिलोड स्पीड माइनस मिलता है। यार M10 का रिलोड टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, रिलोड स्पीड अगर किसी गन का माइनस रहता है तो, और इस गन का लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा माइनस है। तो मैं बोलूँगा आप लोग को कि अगर मान लो आप फुल मैप में अगर यूज़ करना चाहते हो और मिड रेंज में यूज़ करना चाहते हो तो मैं यही वाला M10 प्रेफर करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब यार मैं अच्छे से, या फिर समझ लो आप मतलब आपको हेड से मतलब नहीं है, आप मतलब सिर्फ चाहते हो कि बॉडी से ही बंदा मर जाए, जल्दी मर जाए, तो आप लोग मतलब मैं आपको उसका भी बताऊंगा। तो देखो गाइस, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं हेड मार सकूं या फिर मिड रेंज में खेल सकूं, मतलब लॉन्ग आप लोग ऐसा गन यूज़ करते हो जैसा ड्रैगन AK अगर आप यूज़ करते हो तो आप इस गन को प्रेफर करो, क्योंकि ड्रैगन AK का एक्यूरेसी जो है थोड़ा माइनस रहता है, तो मिड रेंज में उसको थोड़ा यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग इस वाले M10 का यूज़ कर सकते हो। तो गाइज अब मैं बताता हूँ आपको हमारे डबल रेट ऑफ फायर वाला M10 पे, और इसका स्किल है आपको रेट ऑफ फायर डबल मिलता है और मैगजीन माइनस मिलता है। तो लिटरली बता रहा हूँ गाइज, अगर आपको मतलब शॉर्ट रेंज में, एकदम शॉर्ट रेंज में, अगर बंदा समझ लो आप किसी घर में हो और बंदे घर में रश कर रहे हैं, तो उस टाइम के लिए दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट M10 गाइज, लिटरली बता रहा हूँ गाइज, बहुत हार्ड चलता है ये वाला। इसका रेट ऑफ फायर मतलब MP40 के बराबर चलने लगता है लिटरली। यार गाइज मतलब उस टाइम के लिए इससे बेस्ट M10 कोई हो ही नहीं सकता। शॉर्ट रेंज में एकदम अगर आप शॉर्ट रेंज में यूज़ करना चाहते हो, देखो इसका जो रेट ऑफ फायर है वो तो बहुत ज़्यादा ही हार्ड है, बट इसमें रेंज कोई प्लस या फिर माइनस वगैरह नहीं है, तो इसका जो रेट ऑफ फायर की वजह से इसका जो मैगजीन है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो बहुत जल्द आपको रिलोड भी करना पड़ेगा। देखो मैं आपको मतलब एक सजेशन दूंगा, अगर आप कस्टम वगैरह खेलते हो या फिर कुछ भी मतलब ऐसे जो शॉर्ट रेंज में फाइट होते हो, मतलब क्लैश स्क्वाड का कस्टम वगैरह खेलते हो, तो आप लोग इस वाले M10 का यूज़ करो। और अगर आप मान लो फुल मैप खेल रहे हो और आपको थोड़े हेड वेट ज़्यादा चाहिए, तो आप उस वाले मतलब इनक्यूबेटर के M10 का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि गाइज उसका जो रेंज है ना गाइज, आपको M1887 के बराबर मिलेगा, और उसमें मैगजीन भी मतलब पूरी 6 की 6 आती है। तो आप उसको, मैं तो अभी जब से उसको मैंने उस वाले M10 को निकाला तब से उसी को यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये वाला M10 बेकार चलता है, बट ऐसा भी नहीं है कि वो वाला M10 ख़राब चलता है गाइज, दोनों ही बहुत हार्ड M10 है। तो गाइज़ आपको मैं वीडियो को पहले सुनो, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, ज़िंदगी के बहुत बड़ा मौका, ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौका आप लोग खो रहे हो, सब्सक्राइब कर दो गाइज। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट करके बताओ आगे किस गन का या फिर क्या चाहिए आपको वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बोलते ही नहीं हो भाई मुझे ये बना के दो, ये चाहिए, इसका कंपैरिजन दो, कुछ तो कमेंट करो यार, तो बताओ क्या चाहिए आप लोग को। और तो गाइज अब आते हैं मेन द टॉपिक। तो देखो ये दोनों ही M10 आपके पोजिशन पर वर्क करते हैं, आप लोग किस पोजिशन पर इसको यूज़ करना चाहते हो। तो अगर आप इसको पूरे शॉर्ट रेंज में, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं जो अभी गेम खेलने वाला हूँ वो पूरे या फिर पूरे शॉर्ट रेंज का होने वाला है, तो आप लोग मतलब शॉर्ट रेंज, अगर फुल शॉर्ट रेंज खेलना है तो आप लोग डबल रेट ऑफ फायर यूज़ करो, और मिड रेंज खेलना है मतलब मिड रेंज में अगर आपको चाहिए कि मिड रेंज में भाई जो बंदा मिड रेंज में भी है उसको भी मैं आराम से टैकल कर पाऊँ, तो आप लोग उस वाले ग्रीन वाले M10 का यूज़ कर सकूँ, क्योंकि उसका रेट ऑफ फायर भी है और रेंज डबल है। तो गाइस देखो दोनों मतलब ठीक ठाक से M10 है, इसका सिर्फ सिंगल रेट ऑफ फायर ज़्यादा है जिसकी वजह से। तो अब मेन क्वेश्चन गाइस कि मैं कौन सा ज़्यादा प्रेफर करूँगा, मैं कौन सा ज़्यादा यूज़ करना चाहूँगा। तो गाइस मैं अगर आपको बोल दूँ तो मुझे वो ग्रीन वाला ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गाइस देखो उसमें सिंगल रेट ऑफ फायर भी मिलता है, रेंज डबल मिलता है, प्लस आपको रिलोड स्पीड माइनस मिलता है, जिसकी वजह से गाइस लिटरली बता रहा हूँ इतना गुस्सा आता है ना, मतलब आधे एक घंटे तक रिलोड करता रह जाएगा। बट फिर भी यार 6 गोलियाँ इनफ होती हैं दो बंदों को मारने के लिए, या फिर 3 बंदों को मार सकते हो अगर आप उनके पास वेस्ट अच्छा नहीं हुआ और आप अच्छे से ग्लू वॉल का यूज़ जानते हो। तो
तो दो बंदों को मारने के लिए वो एकदम मस्त एमटेन है गाइस। तो अगर आपको बंदा दौड़ाए तो आप नहीं यूज़ कर पाओगे। बट गाइस मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं वही वाला ग्रीन वाला एमटेन प्रेफर करूँगा। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगे कमेंट करके बताओ। और आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे कौन सी गन का कंपैरिजन चाहिए आप लोग बताना, मैं उस गन का कंपैरिजन ला दूंगा। तो गुड बाय गाइस, लव यू, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।